हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी दो माउसीज के बारे में है, जो अपने किंगडम को बचाने के लिए एक मैजिकल जर्नी पर जाते हैं। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, तो चलिए देखते हैं इनकी रोमांचक जर्नी को। मूवी शुरू होती है जंगल में बने एक बड़े से पेड़ से, जहां एक माउस फैमिली रहती है। यहां हम काफी सारे बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, जो छुट्टियों में अपने दादाजी के घर आए हैं, और इन्हीं में से एक है चिप, जिसे छोटा होने के कारण कोई अपने साथ नहीं खिलाता। उदास होकर वो रोने लगता है, और उसे खुश करने के लिए दादाजी उसे एक मैजिकल स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी एक छोटे से माउस एडम की है, जो असल में एक जादूगर भी था, लेकिन वो मैजिक को अच्छे से यूज नहीं कर पाता था। आगे हम उसे एक फेरी को समन करते हुए देखते हैं, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और फेरी गुस्से में उसे बहुत मारती है। एडम भी ये सोचकर उदास हो जाता है कि इस तरह वो एक महान जादूगर कभी नहीं बन पाएगा। और तभी उससे मिलने उसकी फ्रेंड सैम वहाँ आती है। सैम बहुत ही एडवेंचरस और डेयरिंग टाइप की माउस है, और हमेशा उसे समझाती है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, जो सही टाइम आने पर अपने आप बाहर आ जाएगा, और तब तुम एक माहिर जादूगर बन जाओगे। एडम उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि कैसे वो अपने लिए कैसल बनाना चाहता है, ताकि यहाँ की प्रिंसेस से शादी कर सके। लेकिन सैम को लगता है कि कैसल से अच्छा तो जंगल की लाइफ है, जहाँ तुम नेचर के क्लोज रह सकते हो। तभी उन्हें कैट की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर सैम कहती है कि मैं हमेशा से एक कैट को पास से देखना चाहती थी, और एडम को भी ना चाहते हुए उसके पीछे जाना पड़ता है। वहाँ सैम उसे बताती है कि कैट की मूंछों के बाल बहुत स्पेशल होते हैं, और अगर तुम उससे अपनी छड़ी बना लो तो ये तुम्हारे मैजिक को और निखार सकती है। एडम उस कैट का खाना बनने से मना कर देता है, और तभी वो देखते हैं कि कैट ठीक उनके पीछे खड़ी हुई है। एडम डरते हुए उसकी मूंछों का एक बाल तोड़ लेता है, और उससे बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ में छुप जाते हैं। अचानक वहाँ एक दूसरी कैट भी आ जाती है, और सैम एडम से कहती है कि तुम्हें शायद अपनी नई छड़ी यूज करनी चाहिए। एडम को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके छड़ी घुमाते ही वो गायब होकर नीचे बनी एक टनल में आ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि हजारों रैट्स उस जगह की खुदाई कर रहे हैं, जिनका कैप्टन है टिम नाम का एक रैट। उसके रैट्स भूख से बहुत परेशान हैं, लेकिन टिम उन्हें बताता है कि हमारे पास खाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि पहले हमें माउस किंगडम पर कब्जा करना होगा, और फिर तुम जी भर कर खा सकते हो। वो अपने सोल्जर से जल्दी करने को कहता है, और इधर सैम भी एडम से ये बात किंग तक पहुँचाने को कहती है। तभी टिम का मोल उन्हें देख लेता है, और वो अपने तीन रैट्स को उनके पीछे भेजता है। सैम सीटी बजाकर उन कैट्स का ध्यान खींचती है, और उन्हें देखकर वो रैट्स वहाँ से भाग जाते हैं। टिम उनकी नाकामी से बहुत निराश होता है, और कहता है कि मुझे ये बात मास्टर ड्रैको को बतानी होगी। ड्रैको असल में एक डार्क क्रीचर है, जिसने रैट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है, और वो टिम से तुरंत उन रैट्स को पकड़ने को बोलता है, ताकि माउस किंग तक उनका ये प्लान ना पहुंच पाए। वो खुद भी अपने एक डार्क क्रीचर को उन्हें पकड़ने को भेजता है, और सैम और एडम उससे बचकर भागने लगते हैं। जंगल से बाहर आते ही वो क्रीचर गायब हो जाता है, और सैम समझ जाती है कि ये रोशनी में बाहर नहीं आ सकते। फिर वो एडम को पैलेस की ओर भेजती है, लेकिन डर के मारे वो ये काम अपनी एक फेरी को करने को बोलता है। फेरी टाउन से होते हुए एक रूम तक आती है, जो असल में रॉयल मैजिशियन डाली की लैब है, और उसे एडम का दिया हुआ मैसेज देती है। वो तुरंत ये बात अपने किंग को बताने जाता है, और बोलता है कि सिटी पर एक भयानक खतरा आने वाला है। वो मैजिक से एडम को भी वहाँ ले आता है, और कहता है कि आगे की बात आपको यही माउस बताएगा। एडम उन्हें रैट्स के प्लान के बारे में बताता है, और इससे निपटने के लिए वो सब एक मीटिंग करने लगते हैं, जिसमें थेडियस और जोन्स नाम के दो नाइट्स भी शामिल हैं। डाली उन्हें वॉर्न करता है कि ड्रैको बहुत ही शातिर जादूगर है, और मेरी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो इस काम के लिए एडम से हेल्प लेने को बोलता है, लेकिन थेडियस को लगता है कि ये छोटा सा जादूगर भला उनकी क्या मदद कर पाएगा। तब डाली उन्हें एक मैजिकल व्हाइट क्रिस्टल के बारे में बताता है, जिसकी पावर्स एडम के मैजिक को और बढ़ा सकती है, लेकिन उसे पाने के लिए जायंट्स की सिटी में जाना होगा। किंग के पास भी और कोई चारा नहीं होता, और वो एडम को मिशन पर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पैलेस में बने एक सीक्रेट रूम में आते हैं, जहाँ डाली उन सबको एक कॉइन दिखाता है, और कहता है कि इसी के बदले जायंट तुम्हें वो क्रिस्टल दे सकते हैं। एडम की प्रोटेक्शन के लिए थेडियस और जोन्स को भी इस मिशन का पार्ट बनना पड़ता है, और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। फिर डाली एडम को एक मैप देता है, जिसमें उस जायंट बबल के हाउस का नक्शा बना हुआ है, और बताता है कि वहाँ का रास्ता एक मैजिकल ट्री से निकलता है, जिस पर ढेर सारी विंडोज बनी होंगी।
किंग और क्वीन भी प्रिंसेस के साथ उन्हें अलविदा बोलने आते हैं और एडम को लगता है कि ये प्रिंसेस को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। फिर वो तीनों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जहां एडम को तंग करने के लिए वो दोनों नाइट्स अपना सामान उसे दे देते हैं और वो बेचारा इस बारे में कुछ नहीं कर पाता। आगे ब्रिज पर उनका सामना एक बर्ड से होता है और दोनों नाइट्स भागते हुए दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर वो बर्ड एडम की ओर बढ़ता है, लेकिन सैम वहां आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि तुम्हें इस जर्नी पर मेरी जरूरत पड़ने वाली है। तभी वो ब्रिज अचानक टूटने लगता है, लेकिन सैम किसी तरह एडम को उसके पार ले जाती है। एडम उसे खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन देखता है कि सैम उसकी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ड्रैको भी डार्क पावर से उन्हें देख लेता है और अपने दो क्रिएचर्स को उनको फॉलो करने को कहता है। वो जानता है कि ये लोग उस व्हाइट क्रिस्टल को लाने वाले हैं और इससे उसका काम और आसान हो जाएगा। फिर उसकी पावर उस टनल को तेजी से कंप्लीट कर देती है और वो बताता है कि माउस किंगडम पर हम आज ही अटैक करने वाले हैं, और ये सुनकर सारे रेड्स खुश हो जाते हैं। उधर डाली को भी फेरी से इस बात का पता चल जाता है और वो उन्हें रोकने के लिए एक प्लान भी सोचने लगता है। उधर एडम और उसके दोस्त एक जगह रात बिताने के लिए रुकते हैं और वो सैम को बताता है कि मैं इस जर्नी से प्रिंसेस को इम्प्रेस करना चाहता हूँ और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगेगी। सैम को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उधर वो नाइट्स भी एडम का मजाक उड़ाने लगते हैं। रात को वो डार्क क्रीचर्स उन पर अटैक करने आते हैं और उनमें से एक एडम को निगल जाता है। दूसरा क्रीचर सैम को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहले क्रीचर के पेट से कुछ रोशनी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि एडम उसे मारकर बाहर निकल आया है। वो सैम को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि इन दोनों को असल में ड्रैको ने ही भेजा था। फिर वो क्रीचर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडम के अटैक से नहीं बच पाता और सैम ये देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। यही माउस किंग अपने सोल्जर्स को लेकर एक ब्रिज तक आता है, जो किंगडम में आने का एक लौता रास्ता है, और कहता है कि डाली के हिसाब से वो लोग आज ही अटैक करने वाले हैं। तभी उन्हें दूसरी तरफ एक धमाका सुनाई देता है और वो देखते हैं कि रेड उनके किंगडम तक आ पहुंचे हैं। टीम अपने रेड से उन पर अटैक करने को बोलता है और किंग और उसके सोल्जर्स भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर किंग उनके एक रेड को मारकर नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं कि वहां डाली कुछ प्लान कर रहा है। जल्दी ही ब्रिज पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है और रेड्स माउस के सोल्जर को पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। टीम को ये देखकर बहुत खुशी होती है और तभी अपना स्नेक लेकर ड्रैको बाहर आता है। वो टीम से कहता है कि ये तुम्हारा वफादारी साबित करने का दिन है और तुम्हें मेरे लिए उस ब्रिज को क्रॉस करना होगा। टीम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ड्रैको का ऑर्डर नहीं टाल पाता और अपना मोल लेकर ब्रिज की दूसरी तरफ जाने लगता है। इधर किंग अपने लोगों से कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब हमारे प्लान के मुताबिक ही है। फिर वो जोर से डाली को आवाज लगाता है और एक व्हाइट रोशनी ब्रिज को घेरने लगती है। पता चलता है कि डाली अपनी फेरी से अटैक कर रहा है और वो उस ब्रिज को तोड़कर ऊपर उठाने लगती हैं। टिम किसी तरह बचता हुआ वापस पहुंच जाता है, लेकिन उनके काफी सारे रेड्स नीचे नदी में जा गिरते हैं। किंग डाली से बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब रेड्स उनके किंगडम तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन डाली जानता है कि ड्रैको इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। उधर टिम ड्रैको से पूछता है कि आप जानते थे कि वहाँ ट्रैप लगा हुआ है, तो फिर आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा था। लेकिन ड्रैको उसे शांत रहने को बोलकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि डाली ने अपनी चाल कुछ ज्यादा ही जल्दी चल दी। आगे हम पैलेस के वॉच टावर को देखते हैं, जहाँ डाली किंग को बताता है कि उसके क्रिस्टल की पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अब वो एडम के आने तक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किंग को लगता है कि किंगडम में आने का बस एक ही रास्ता था, जो अब नष्ट हो चुका है और उन्हें रेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उधर एडम और उसके दोस्त एक स्टोन वैली में आते हैं और जोन्स को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। थेडियस को ये उसकी इमेजिनेशन लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाकर दिखाता है कि देखो यहाँ कोई नहीं है। तभी सैम की नज़र ऊपर की ओर जाती है और वहाँ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। एडम अपने मैजिक से जोन्स को कुचलने से बचाता है और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे एक रॉक मॉन्स्टर खड़ा है। रॉक मॉन्स्टर उन पर अपनी टेल से अटैक करता है और इससे एक चट्टान उन्हें थेडियस और जोन्स से अलग कर देती है। वो समझ जाते हैं कि अब इस मॉन्स्टर से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन तभी जोन्स उस चट्टान के दो टुकड़े कर देता है और रॉक मॉन्स्टर भी ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। उधर टीम ड्रैको को बताता है कि ब्रिज बनाने की तैयारी हो चुकी है और ड्रैको उसे काम जल्दी शुरू करने को कहता है। टीम अपने रेड्स को लेकर बाहर आता है और माउस गार्ड ये देखकर अपने किंग को बताने जाते हैं।
किंग को रेड्स की नादानी पर बहुत हंसी आती है क्योंकि ब्रिज बनाने में उन्हें महीनों लग जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ब्रिज तो बस उनका ध्यान भटकाने के लिए है और ड्रैको तो असल में अंडरग्राउंड रास्ते से आने वाला है। आगे हम एडम और उसके दोस्तों को देखते हैं जो अब एक हॉन्टेड फॉरेस्ट में आ पहुँचे हैं और उन्हें डरता देख सैम उनकी हिम्मत बढ़ाती है। फिर मैप यूज करके वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये रास्ता तो गोल गोल घूम रहा है। थैडी उसको एडम पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी उनकी नज़र सामने खड़े उस पेड़ पर पड़ती है जिसमें ढेर सारी विंडोज बनी हुई हैं, और वो समझ जाते हैं कि डाली ने उन्हें सही रास्ता बताया था। अंदर वो सभी चीजों को उड़ते हुए देखते हैं और वो भी इस एक्सपीरियंस का मजा लेने लगते हैं। तभी नीचे बना एक होल उन्हें अपने अंदर खींचने लगता है और वो उसके थ्रू एक ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ उनका सामना एक फुटबॉल से होता है और वो देखते हैं कि बड़े बड़े जायंट्स भागते हुए उनकी ओर आ रहे हैं। यहाँ से निकलकर वो एक सिटी के पास आते हैं और सोचते हैं कि आखिर हम उस बबल नाम के जायंट को कैसे ढूंढेंगे। मैप की मदद से जल्दी ही वो उस घर को ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि इस पर भी मैप के जैसा ही एक निशान बना हुआ है। थैडियस को लगता है कि सारे घर देखने में एक ही जैसे हैं, और तभी वो सुनते हैं कि एक लेडी अपने बेबी को बबल्स कहकर पुकार रही है और इसका मतलब वो सही जगह आए हैं। इधर रेड्स एक ड्रिल यूज करके पैलेस तक पहुंच जाते हैं और टीम अपने रेड्स के साथ बाहर आ जाता है। फिर गार्ड्स को बंदी बनाकर वो उस दरवाजे को खोलते हैं और टीम के इशारा करते ही रेड्स किंग के पैलेस को घेर लेते हैं। किंग भी जल्दी ही उनकी कैद में आ जाता है और टीम कहता है कि अब से इस कैसल पर ड्रैको का कब्जा है। तभी वो लोग ड्रैको को आते हुए देखते हैं और वो आते ही उनसे प्रिंसेस के बारे में पूछता है, लेकिन किंग और डाली उसे कुछ नहीं बताते। ड्रैको किंग को नीचे जेल में डालने को बोलता है और डाली से कहता है कि मुझे आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई है। पता चलता है कि ड्रैको डाली का पुराना स्टूडेंट है, लेकिन मैजिक के लिए उसका पागलपन बहुत बढ़ गया था और इसीलिए डाली ने उसे सिटी से बैनिश करा दिया था। अब वो यहाँ उस क्रिस्टल और प्रिंसेस दोनों को हासिल करने आया है ताकि माउस किंगडम पर उसका राज हो सके। उधर एडम अपने दोस्तों के साथ बबल के बेडरूम तक आ पहुँचा है, लेकिन वो नहीं जानते कि यहाँ भी उनका सामना एक कैट से होने वाला है। वो सब अलग अलग होकर उस क्रिस्टल को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें टेबल पर एक ज्वेलरी बॉक्स दिखाई देता है। एडम और सैम उसे चेक करने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ एक कैट उनका वेट कर रही है और इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए, बबल अपने कैट को पकड़ लेती है। बबल को लगता है कि एडम शायद कोई फेरी है जो उसके टूटे हुए दांत के बदले कॉइन देने आई है, और एडम भी कुछ सोचकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। तब बबल कॉइन के बदले उसे अपना दांत देती है और एडम समझ जाता है कि यही वो मैजिकल व्हाइट क्रिस्टल है। फिर बबल उन्हें साइकिल से वापस ग्राउंड में ले जाती है और वो सब उसे अलविदा बोलकर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। इधर ड्रैको डाली को बताता है कि वो भी उस व्हाइट क्रिस्टल को हासिल करने गया था, लेकिन इंसान उसे पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे और इस वजह से उसने बहुत दर्द सहा है। वो इन सब के लिए उसे ही जिम्मेदार बताता है और टीम से उसे भी जेल में डालने को बोलता है। तब डाली टीम को समझाता है कि ड्रैको तुम्हारा यूज कर रहा है और ब्रिज पर भी उसने तुम्हें इसीलिए भेजा था क्योंकि उसे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है, और ये सुनकर टीम भी सोच में पड़ जाता है। आगे हम एडम को देखते हैं जो क्रिस्टल के मैजिक से सबको पैलेस में ले आया है, लेकिन वहाँ आते ही ड्रैको सैम को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तभी जेल से छूटकर किंग वहाँ आता है और ड्रैको से कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को अभी छोड़ना होगा। पता चलता है कि सैम ही असल में यहाँ की प्रिंसेस है और एडम भी ये जानकर हैरान हो जाता है। तभी ड्रैको क्रिस्टल को उससे छीन लेता है और कहता है कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अपने रेड से उन सबको अरेस्ट करने को बोलता है, लेकिन देखता है कि टीम ने अपनी साइड बदल ली है और अब सारे रेड्स उसके खिलाफ हो गए हैं। ये देखकर वो क्रिस्टल की डार्क पावर को एक्टिवेट करता है और सैम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। डाली एडम से उसके पीछे जाने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो अपनी छड़ी गुम होने से बहुत डरा हुआ है। वो उसे समझाता है कि मैजिक का छड़ी या क्रिस्टल से कोई लेना देना नहीं है और ये ताकत तो तुम्हारे दिल में बसी हुई है। इधर ड्रैको सैम को अंडरग्राउंड ले जाना चाहता है, लेकिन देखता है कि एडम वहाँ उसे रोकने आया है। वो अपने स्नेक को उस पर अटैक करने को कहता है और एडम भी उसका जवाब एक स्पेल से देता है जिससे वो स्नेक तिलमिला उठता है। सैम उसकी कैद से आजाद हो जाती है और स्नेक छोटे साइज का होकर कुचला जाता है। ड्रैको भी फाइनली अपने आर्मर से बाहर आता है और पता चलता है कि वो तो उन्हीं की तरह एक नॉर्मल माउस है जो इंसानों के एक्सपेरिमेंट से पागल हो चुका है।
फिर वो क्रिस्टल को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे ड्रैको एडम पर भारी पड़ रहा है। तभी सैम उसका साथ देने आती है जिससे वो क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है और ड्रैको उसकी चमक से बचते हुए गड्ढे में जा गिरता है। उन्हें लगता है कि शायद अब खतरा टल चुका है, लेकिन ड्रैको वापस आकर क्रिस्टल को हथिया लेता है और कहता है कि अब इस गेम को खत्म करने का टाइम आ गया है। तभी एडम को एक आइडिया आता है और वो अपने मैजिक से एक फेरी को समन करता है जो उड़ते हुए सीधा ड्रैको के पास आ जाती है। ड्रैको उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वो फेरी गुस्सा हो जाती है। फिर वो ड्रैको को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है और उसे लेकर अंडरग्राउंड में गायब हो जाती है। तभी किंग और बाकी लोग भी वहां आ पहुंचते हैं और थैडियस भी एडम की हिम्मत की तारीफ करता है। टिम अपने रेड्स के साथ वापस जाने लगता है और कहता है कि अब से हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो क्रिस्टल पावर से उस गड्ढे को हमेशा के लिए भर देते हैं जिससे वहाँ एक बड़ा सा पेड़ निकल आता है और सैम एडम से कहती है कि अब से यही हमारा कैसल होगा। इसी के साथ चिप के दादाजी की स्टोरी खत्म हो जाती है और पता चलता है कि वो ही असल में एडम और सैम है। एंड सीन में हम देखते हैं कि चिप भी अपने दादाजी की तरह एक जादूगर ही है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।